नमस्कार दोस्तों, नर्मदे हार, जय जगन्नाथ जी। धीरज अग्रो के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं अशोक गुजर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बहुत स्पेशल कुछ मैं लेकर आया हूं। आज मैं आपको ट्रालियों की कोई जानकारी नहीं दूंगा, आज आपको खेती से संबंधित बहुत सारी अच्छी जानकारी दूंगा। कैसे उन्नत खेती और कैसे आधुनिक खेती की जाती है, ये हम आज सीखेंगे नन्हेलाल जी से। नन्हेलाल जी भाटी हमारे साथ हैं। इन्होंने 1.5 एकड़ में इतनी पैदावार ली है कि शायद आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ नन्हेलाल जी से। नन्हेलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। नमस्कार। और नमस्कार साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को आप बताएं जी कि कम खेती में किस तरह से ज्यादा पैदावार ली जाए। जी जी, तो ठीक है, जिस जगह हम खड़े हैं अपन शुरुआत यहीं से करते हैं। जी, आप देखिए, आपको अरहर दिख रही है, हल्दी दिख रही है जी, और तीसरी आप नजदीक से देखेंगे तो ये सोयाबीन, इसमें से मैंने अभी निकाली ये सोयाबीन की जड़ें। ये सोयाबीन की जड़ें हैं जी दोस्तों, आपको बिलीव नहीं हो रहा, ये देखिए ये सोयाबीन की जड़ें हैं। तो ये 1 एकड़ 65 डिसमिल का टोटल रकबा है। अच्छा। और हाथ से मैंने इसमें सोयाबीन गुड़वाई थी लेबर द्वारा, तो 8.5 किलो की ये 8.25 क्विंटल निकल चुकी है, यानी 10 गुना। दस गुना अरे बाप, 10 गुना नहीं, 100 गुना। हाँ, 100 गुना, 100% मतलब। हाँ, 100 गुना। और जो लोगों का औसत मिला सोयाबीन का कुल मिला के जी जी, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, ये सब नई नई वेरायटी, ये RVS का अभी नोटिफिकेशन इसका हुआ नहीं है, अभी ये पाइपलाइन में ही है। अच्छा, अच्छा। ये जो वेरायटी मैंने बोई है, अच्छा, ये अभी और 12,000 रुपए क्विंटल में मेरे पास से अभी बिक चुकी है ये। अभी आपके पास बीज कितना अवेलेबल है? वो पूरा रखा है, पर अभी डिमांड है कि आप 12,000 रुपए क्विंटल में हमको पूरी दे दो। अच्छा, कि मैं बीज में दूंगा थोड़ा थोड़ा। आपको वीडियो के माध्यम से अगर किसान संपर्क करना चाहे इस वैरायटी के बारे में, मैं उनको 25-50 किलो ऐसा कि जो बीज बीज जो बनाने की इच्छुक है, मैं बिल्कुल बराबर दूंगा। तो 1 लाख की क्रॉप तो आप ये मान के चलिए ले ली जी। और दूसरा हल्दी की मान के चले कि 1 एकड़ में 100 क्विंटल न्यूनतम, मतलब 100 क्विंटल से कम हल्दी होती नहीं है। अधिकतम तो खैर कई किसानों ने 225 क्विंटल तक निकाली हल्दी। और तीसरी क्रॉप मेरी है अरहर की, 1 एकड़ 65 डिसमिल में जैसे ये अरहर लगी हुई है, मैं इसकी प्रोसेस करके बेचता हूँ, डायरेक्ट सीधा मंडी में नहीं देता। तो ऑर्गेनिक में मेरी दाल, अब मैं पिछले 10 सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, इसमें पूरी जहर मुक्त खेती। आप अभी काले खेत में चलेंगे जी, आप कहीं से भी आप इतनी मिट्टी खोदेंगे और बिल्कुल भुरभुरी बर्मी कंपोस्ट भी मैंने तैयार पूरा है, बर्मी कंपोस्ट के खाद से बनी हुई। बिल्कुल। अच्छा, तो ये मान लो 1 एकड़ 65 डिसमिल में मेरी 5 क्विंटल भी दाल निकल जाती है, तो मेरी 1 लाख रुपए की क्रॉप वो है। मान लो 150 क्विंटल ये हल्दी निकल जाती है 1 एकड़ 65 डिसमिल में, तो न्यूनतम भाव हम 30 रुपए किलो भी मान के चलते हैं हल्दी का, हल्दी का तो 15×30 = 45 जी, 4.5 लाख, 4.5 लाख की वो होती है, 1 लाख की ये हो गई जी। और 6 लाख की फसल तो यही है, यही हो गई। और 1 लाख के सोयाबीन आपने ले लिए। हाँ, 1 लाख की सोयाबीन। तो जो भी छोटे किसान है, मैं तो आप संदेश देना चाहता हूँ कि एक से एक जगह से हम एक से अधिक क्रॉप लें तो एक मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा जी, दूसरा लेबर का भी हम पेट पालन करेंगे कहीं न कहीं से जी, क्योंकि ये सब हाथ से बोनी, इसमें हल्दी हाथ से लगी है, अरहर हाथ से गुड़वाई है, सोयाबीन हाथ से गुड़वाई है, तो कहीं ना कहीं हम उनका भी पेट पालन कर रहे हैं, हमारा तो है ही स्वार्थ, उसमें निजी स्वार्थ जी। इसमें एक और भी संदेश देना चाहूंगा किसानों को कि साल भर में हम जितना अनाज खाते हैं, कम से कम वो जहर मुक्त होना चाहिए। अच्छा, पूरी ऑर्गेनिक खेती आपके पास? जी, पूरी ऑर्गेनिक। आप देखेंगे वेजिटेबल में, ये घर उपयोग की जितनी भी सब्जियां हैं, हाँ, देखेंगे टमाटर की एक लाइन है, हाँ, ये इसमें चौला फली है, चौला फली है। हाँ, इधर आके देखेंगे ये एंडिंग में चल रहा करेला। अच्छा, ये क्या करेला लगे हुए? जी हाँ, करेला, करेला बिल्कुल एंड हो गया है, एंड होने पे है। ये बीच में टमाटर लगे हुए हैं, ये टमाटर, ये पूरी फसल ऑर्गेनिक है, इसमें बिल्कुल भी अपने पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया, 1% नहीं, सब। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। 10% अर्क है गोमूत्र में, निबोली और अपने तम्बाकू डस्ट डाल के वो कीटनाशक बनाए, लसन प्याज मिर्च और अदरक, हाँ, इनका पेस्ट बना के मच्छर मारने के लिए वो। अच्छा, किया तो ये कारगर रहता है लसन प्याज का जो पेस्ट? अरे क्यों नहीं, वो आप देख ही रहे हैं, हाँ, कितनी बढ़िया क्राफ्ट है।
और जब हम जहर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने आप मित्र कीट भी फसल में मौजूद रहेंगे, तो अपने को अलग से उनकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे काले खेत में भी, आप चल के देखो, ये जैसे हम अभी निकल के आ गए, क्या बात, पूरी बिल्कुल मक्खन। ये वर्मी कंपोस्ट का खाद है, वर्मी कंपोस्ट से बनी हुई मिट्टी है, जमीन है, खेती है, ये पूरी भुरभुरी आप कहीं से भी खोदेंगे, हाँ। आप बिल्कुल ऐसे कहीं से भी खोद सकते हैं। ये तो ये क्वालिटी हो गई है, बहुत बढ़िया दोस्तों। और मैं आपको नन्हेलाल जी के बारे में एक बात और बताऊं, इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। मैं इनके द्वारा ही सुनना चाहता हूं, आपको पुरस्कार क्या क्या खेती में किस तरह के आपको पुरस्कार मिले हैं? मुझे प्रदेश लेवल पे 7 पुरस्कार मिले हैं भाई। बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बात है। पहला तो 2014-15 में सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार से अवार्ड मिला था, उससे सम्मानित हुआ। इसके बाद में जबलपुर में राष्ट्रीय कृषि उदय एक अवार्ड वो मिला। अच्छा। तीसरा अवार्ड कृषि भूषण अवार्ड। अच्छा। वो भोपाल में कृषि मंत्री द्वारा दिया गया था। हाँ। और चौथा अवार्ड अभी मिला है। अभी आपको जो अवार्ड मिला है वो किस तरह से और कैसे आपको ये मिला है, मतलब हमें खेती में क्या उन्नति में ये अवार्ड मिला है? ये आप सभी लोग परिचित होंगे, केलकर जी। हाँ। प्रभाकर जी केलकर जी, तो आरएसएस के बहुत बड़े व्यक्तित्व, मतलब धनी थे। हाँ। उनका कुल मिला वो पिछले 20 अक्टूबर को शांत हुए थे, ये पहली वर्षी थी उनकी जी। तो उनका एक स्वप्न था। हाँ। कि हर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। हाँ। और जहर मुक्त अनाज खाएं, अनाज खाएं, ताकि हम भी स्वस्थ रहें और परिवार को भी स्वस्थ रखें और अपने समाज को भी स्वस्थ रखें। हाँ। तो ये एक उनका सपना था। तो उन मरणोपरांत उनके जो शिष्य हैं उत्तम जी महाराज जी, जी, वो महामंडलेश्वर, आज की तारीख ईश्वरानंद जी महामंडलेश्वर, तो उन्होंने वो एक पुरस्कार जी संबंधी एक वो व्यवस्था रखी थी। हाँ। क्या नाम था पुरस्कार का? वो जैविक कृषि पुरस्कार अपने केलकर जी, 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 उनकी स्मृति ऐसा वो था, मतलब अवार्ड। तो पूरे प्रदेश भर के उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों का एक चयन किया गया था। जी 4,500-5,000 आवेदन थे। तो मध्य भारत से मेरा नाम सेलेक्ट हुआ और मालवा से एक भाई साहब थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। और वहाँ कौशल से एक बिहारी लाल साहू करके, ऐसे मतलब 3 किसानों से पूरे अलग अलग संभागों से लिया गया, मध्य प्रदेश के अलग अलग 3 संभागों से। हाँ, हाँ, जी। 3 किसानों का चयन किया गया था। ऐसी कुछ गौ माता भी, अब आपने देखी है गौ माता भी हमने देखी है इनके पास। बहुत अच्छे किस्म की गिर नस्ल की गौ माता है, और गिर है, साहीवाल भी है मेरे पास, राठी गाय भी है। हाँ। सभी का कितना दूध देती है गाय? सभी का 4-5 लीटर से ऊपर ही। अच्छा, एक अच्छा। का तो वो गिर गाय देखी, उसका तो 10 लीटर। वो तो देखने योग्य थी गाय, तो मैं वीडियो आपको दे नहीं पाया हूँ, कोई कारण है। ठीक है भाटी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्कार साथियों, आप मेरा नंबर चाहो तो मैं आपके नंबर मेरे इस YouTube चैनल पे भी दूंगा और मेरे नोटिफिकेशन में भी आपको ये नंबर मिल जाएंगे जी। तो भाटी जी बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत बहुत बधाई हो आप इस पुरस्कार के लिए। 31,000 रुपए का पुरस्कार भी मिला भाटी जी को जी। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है भाटी जी, फिर मिलते हैं आपसे, फिर सीखेंगे आपसे कुछ ना कुछ नया।